अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट पेपर का एक और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसके अंदर हमें बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे एक फंक्शन का, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक पास्ट पेपर की एग्जाम्पल करवा दी, ये भी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो में हम ये एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाए। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले वी डिफाइन, वी डिफाइन अब ये है कि जैसे हम लोग वो लाप्लास में सिंपल डिफाइन करते थे ना, एफ ओफ एस इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी और उसके बाद एफ ओफ टी और ई माइनस एस टी, तो इसके अंदर हमारे पास जाहिर है वहाँ पे एफ होता था, तो यहाँ पे हमारे पास यू है और वो सिंगल जो है वो एफ जो था वो एफ ओफ टी होता था, तो यहाँ पे हमारे पास यू है जो कि क्या है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, एक्स का और टी का होगा। तो यहाँ पे हमने जब एक्स और टी का फंक्शन होगा, जब हम लोग जाहिर है उसका लाप्लास लेंगे तो वो ग्रेटर यू में चेंज हो जाता है, टी जो है वो एस में चेंज हो जाता है और बाकी फार्मूला वही रहता है जो उसका होता है। अब इसके ऊपर लाप्लास के हम लोगों ने पिछले दो तीन चार जितनी मैंने वीडियोज़ बनाई थी उनके अंदर मैं ये फार्मूलाज बार बार बुक से दिखा चुके हैं। लाप्लास में डबल डेरिवेटिव के ऊपर जब हम लोग अप्लाई करते हैं लाप्लास को, तो उसका फार्मूला इस तरह से बनता है और ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद जब हम लोग लाप्लास यानी यू का जो जब सिंगल डेरिवेटिव होता है तो जब उसके पहले करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये बनता है। तो इस तरीके से हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 और इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दिया है, टेकिंग लाप्लास ऑफ 1। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 1 का हम लोगों ने अब जो है लाप्लास लेना है। अभी तक हमने सिर्फ चीज़ें डिफ़ाइन की थी कि हाँ ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, यानी यहाँ तक सिर्फ डिफ़ाइन कर दिया। अब अक्सर असल जो है वो हम मेन जो है अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग चाहें तो वैसे यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं कि टेकिंग लाप्लास ऑफ 1। तो लाप्लास ऑफ 1 यानी जो गिवन प्रॉब्लम है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा, ये आई लिखा हुआ है, इसको 1 कर दें। इसका हम लोगों ने जो है वो लाप्लास लेना है, तो इसका लाप्लास अब यहाँ पर हम लोग लेंगे। इसके ऊपर हमने लाप्लास अप्लाई कर दिया मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस फ्रॉम 5, 6 एंड 7, इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7, 6 और 7 से हम लोगों ने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस कर दी। सब्स्टिट्यूशंस करके यहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेटिव का था, तो हमने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिख दिया। यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव का चाहिए था, तो यहाँ पे क्योंकि टी का होता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं फार्मूला, अगर एक्स का होता तो हम एक्स पे अप्लाई जो है वो नहीं करते फार्मूला, ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे अब डबल एक्स है तो इसके अंदर जो है वो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा, और अंदर स्मॉल यू के ऊपर जब जो है हमारा लाप्लास अप्लाई होगा सिर्फ यू पर ही होगा, स्मॉल यू पर डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, स्मॉल यू पर जब वो अप्लाई होगा तो वो जो है वो ग्रेटर यू के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, और ए स्क्वायर और यहाँ पे डबल जो है वो बाहर आ गया और ग्रेटर यू एक्स इंटू एस में चेंज हो गया, और लाप्लास ऑफ टू जो है वो तो हमारे पास है वो अंदर आ गया पिन के अंदर, यहाँ पे आना है माइनस कॉन्स्टेंट जो होता है उसका आप लोगों को पता है कि क्या होता है। लाप्लास ऑफ 1 हम लोगों ने पढ़ा था, लाप्लास ऑफ के इज इक्वल टू के ओवर एस, तो वहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 ओवर s है, माइनस 2 ओवर s यहाँ पे इस तरीके से है, यानी इसका हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव बाहर लगा दिया, सिंपल यू पे अप्लाई कर दिया, वो ग्रेटर यू में चेंज हो गया और लाप्लास ऑफ 2 जो है वो 2 by s आ गया। यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ गई है। उसके बाद अब हमने इसको सिंपलीफाई करना, अब हमने यहाँ पे यू ऑफ एक्स जीरो और यू टी ऑफ एक्स जीरो की वैल्यूज पुट कर देनी है, यू ऑफ एक्स जीरो और यू टी ऑफ एक्स जीरो दोनों की वैल्यूज़ क्या है, 0 हमारे पास, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी, ये रह जाएगा और इसके बाद ये वाला रह जाएगा। यहाँ पर लिख दिया है कि यूजिंग इनिशियल कंडीशन टू, इनिशियल कंडीशन जो 2 थी वो हम लोगों ने उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे दोनों जीरोज हो गई हैं और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, ये हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एस जो है हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू वाला जो, उसको हम लोगों ने एक तरफ कर लिया है, मतलब कि सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो यू वाली वैल्यूज़ को अलग कर लिया, यानी जिसके अंदर हमारा वेरिएबल था, जिसका फंक्शन था, जो हमारा मेन फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने अलग कर लिया, ये भी यू वाली वैल्यू थी उसको इधर कर लिया, ये भी इधर प्लस किया, दूसरी तरफ जाके यहाँ पे माइनस की हो जाएगी, इसके साथ भी यू आना है एस यू ऑफ एस और ग्रेटर यू आना है ये। अच्छा जी, ये डबल डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये इधर आके माइनस का हो गया, ये भी आ गया और ये जो है ये दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो गया 2 by s।
उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे दोनों के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा देंगे, और 2 ओवर ए स्क्वायर ऐसे रह जाएगा हमारे पास। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमने इसको नाम दे दिया। अब ये क्या है हमारे पास, एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यू ऑफ एस एस एक्स एस इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में सबसे पहले पूरी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो रखते हैं हम, यू ऑफ एक्स एस को हम लोगों ने कॉमन लेना है, और ये डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू जीरो कह देना। यहाँ से हमारे पास डी के दो रूट्स आ जाएंगे, हमारे पास रियल रूट्स प्लस माइनस एस ओवर ए, इसको हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में लिख लेंगे, सी वन ई इंटू एस ओवर ए एक्स प्लस सी टू इंटू ई माइनस एस ओवर एस इंटू एक्स ओवर ए। इस तरह से ये हमारा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा। फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके अंदर यहाँ से हम लोगों ने जो है वो यू को इधर ही रहने देना, बाकी सारी जो वैल्यू आती है दूसरी तरफ जाके हम लोग क्या करते हैं उसके साथ डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखे बनाया हुआ था डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसी फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है। साथ हमारे पास जाहिर है यू भी था, इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख के साथ यू मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं तो वो यू इधर ही रहेगा और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इस तरफ हमारे पास ये तो कम्प्लीमेंट्री में जीरो है ना, वैसे हमारे पास टू इंटू ए स्क्वायर बाई एस है, तो इस तरीके से ये वन ओवर डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू टू बाई ए स्क्वायर टू एस। अब इसके बाद देखें इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि ई की पावर ज़ीरो एक्स, यानी कि ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी जो कि वन हो जाएगी, और यानी कि इसको हम लोगों ने वन की जगह पे हमने इसको खुद से बनाया है ई की पावर ज़ीरो एक्स, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। हमें पता है कि एक्सपोनेंट वाली जो वैल्यू होती है, तो एक्सपोनेंट की पावर में जो भी चीज़ होती है वेरिएबल के साथ, उसको हम डी की जगह पर पुट कर देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इसलिए इसको बनाया है क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है, तो हम लोग डी की जगह पर यहाँ ज़ीरो पुट कर लेंगे, ज़ीरो माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू इंटू यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और एस इससे कैंसिल होकर एस क्यूब बन जाएगा, तो यू एस एस और यू सी यू पी, और ये हमारे पास आ गई है वैल्यू, हमारे पास आ गया है इसका जनरल सॉल्यूशन पूरा। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन पूरा बन गया, तो हम इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम अपने जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज निकाल के जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा फिर हम उसका इन्वर्स लेंगे, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब हमने इसके ऊपर नेक्स्ट यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस वी हैव, अच्छा जी अब हम लोगों ने इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करनी है। सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस वी कैलकुलेट यू एक्स इंटू एक्स ए। अब देखें हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन है हमारी यू ऑफ ज़ीरो टी इज़ इक्वल टू जी टी, और दूसरी है यू ऑफ एक्स इंटू एक्स टी, यानी कि जो हमारे पास यू है, पहले हमने इन बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर भी लाप्लास को अप्लाई करना है। जब इन बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर लाप्लास को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली बनेगी ग्रेटर यू ज़ीरो कॉमा और टी की जगह एस हो जाता है तो एस हो जाएगा, और इसी तरह इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगी यू का एक्स डेरीवेटिव और यहाँ पर एक्स रहेगा और यहाँ पर एस आ जाएगा, यानी कि इनके ऊपर लाप्लास जब अप्लाई करेंगे। तो अब हमें इसके लिए डेरीवेटिव चाहिए होगा अपनी जो ये वाला है फॉर्मूला इसका, इसका आप डेरीवेटिव ले लेंगे तो ये यू एक्स ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेते हैं, ये मैं आपको बता दूँ इसके ऊपर जब लाप्लास इसके ऊपर करके बता देती हूँ, मैं लाप्लास ऑफ यू एक्स इंटू एक्स टी जब हम लोगों ने की है ना इक्वल टू ज़ीरो, जब इसके ऊपर यहाँ पे ज़ीरो पे प्लस पाएगी तो वो ज़ीरो ही रहेगा, इसके ऊपर जब लाप्लास पे ग्रेटर यू एक्स एक्स ही रहेगा और यहाँ टी की जगह एस हो जाता है तो इक्वल टू ज़ीरो, ये बाउंड्री कंडीशन बन जाएगी। तो इसलिए इसी तरह ये भी बन जाएगी क्योंकि अब हमारा ग्रेटर यू है ना, तो हम लोग इसके अंदर डायरेक्ट ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने चेंज करके की है। उसके बाद जब हम लोगों ने इसका डेरीवेटिव लिया फर्स्टली, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम इसका डेरीवेटिव लेंगे तो वो इस तरह से बनेगा, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट पार्शली ही करेंगे क्योंकि दो का दो वेरिएबल्स का ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हमें चाहिए। तो हम लोगों ने जाहिर है एक्सपोनेंट का क्या डेरिवेटिव होता है, उसकी पावर का डेरिवेटिव होता है और वो वैसे का वैसे ही आ रहता है, तो ये हमारे पास इसका बन जाएगा। उसके बाद ये बाउंड्री कंडीशन क्या है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अब हम इसके ऊपर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे यू एक्स इंटू एक्स एस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
इसके बाद देखें, ई की पावर इन्फिनिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी ही होती है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो ई की पावर इन्फिनिटी जीरो होती है, यानी कि सी वन सी की वजह से, इस वैल्यू की वजह से, सी वन की वजह से, सी वन को जो इस वैल्यू की वजह से हमारे पास जो है वो सारा सोल्यूशन इन्फिनिटी आ रहा है। तो क्योंकि इसकी वजह से आ रहा है, तो अगर हम सी वन को ही जीरो कर दें तो इन्फिनिटी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाती है, यानी जीरो मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो ही होती है। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है। अब इसकी वजह से हो रही है, तो जिस वैल्यू की वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो रहा था, उसको हम लोग इक्वल टू जीरो कह देते हैं। तो सी वन को इक्वल टू जीरो कह लिया, जिसकी वजह से हमारे पास जब हमने इसके अंदर पुट की है, ये देखें पहली इसके अंदर जब हम लोगों ने जो कंडीशन है ना, बाउंड्री कंडीशन, नेक्स्ट यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, पहले वाली जो है वो हम लोगों ने जब अप्लाई की थी ना, तो ये इक्वेशन नंबर 9 बनी थी। यानी एक्स की जगह पे सिंपल हमने जीरो ही करना था, वो हमने एक्स की जगह जीरो की, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो इक्वल टू जीरो कर दिए। पहली बाउंड्री कंडीशन थी, दूसरी मैंने आपको ये करके दिखा दी। तो जब हमने सी वन को इसके अंदर पुट किया है ना, तो यहाँ से हमारे पास सी टू की वैल्यू है ये 2/s³। तो इसको अब हम लोग अपने जो जनरल सॉल्यूशन है ना, ये यहाँ पे हमने सी वन और सी टू की वैल्यूज को पुट करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा उसका हम लोग इन्वर्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारा फंक्शन आ गया, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, लाप्लास इनवर्स या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो यहाँ पे लिखना मैं भूल गई, मेंशन लाजमी करना है, और बहुत सारे दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे इनवर्स लिया तो जाहिर है वो स्मॉल यू इंटू एक्स टी में चेंज हो गया, यहाँ से हमारे पास कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ गया, और अंदर जो है हम लोगों ने लाप्लास अप्लाई करना है। उसके बाद देखें लाप्लास इनवर्स का ये वाला फार्मूला, इनवर्स वाले फार्मूलाज में आपको मिल जाएगा लाप्लास इनवर्स ई माइनस की, ये जो सेकंड शिफ्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसमें यहाँ पे लाप्लास होता है इक्वल टू इसके होता है, लेकिन इनवर्स में उल्टा होता है कि जब इसके ऊपर हम लोग लाप्लास, यानी कि कोई एक्सपोनेंट की वैल्यू हो और कोई फंक्शन ऑफ एस हो, दोबारा सुने, कोई एक्सपोनेंट की वैल्यू हो जिसमें एस मौजूद हो और कोई फंक्शन ऑफ एस साथ पड़ा हुआ, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू हो जिसमें एस मौजूद है और साथ कोई फंक्शन ऑफ एस भी पड़ा हुआ है, तो वो इक्वल होता है यू ऑफ टी माइनस के और टी माइनस के। अब हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एस क्या है, इसके साथ कंपेरिजन करें तो हमारे पास एफ ऑफ एस है 1/s³, ये आ गया हमारे पास। और के देखें हमारे पास क्या है, के क्या होता है, एस के साथ पड़ी हुई वैल्यू, माइनस एस के साथ पड़ी हुई वैल्यू, जो माइनस एस के साथ हमारे पास एक्स बाई ए पड़ा हुआ, तो यहाँ पे एक्स बाई ए जो है वो हमारे पास के है। अब एफ ऑफ टी हमारे पास क्या, सबसे पहले हमें एफ ऑफ टी पता होगा तो हम टी माइनस के निकालेंगे। तो एफ ऑफ टी क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ टी होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, यानी एफ ऑफ टी निकालेंगे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है ना, तो एफ ऑफ टी अगर निकालना हो तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस जो है वो 1/s³ है, तो इसका लाप्लास इनवर्स जब हमने लिया तो वो टी स्क्वायर ओवर 2 आ गया। तो ये तो आपको लेना आता होगा। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, टी माइनस के चाहिए, तो हमें टी माइनस के लिए हम लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ पे यहाँ पर टी है, टी की जगह टी माइनस, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हमने टी माइनस के की वैल्यू एस एक्स बाई ए है, तो उसको एक्स बाई ए कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ये ए टी माइनस एक्स हो जाएगा, ए टी माइनस एक्स, तो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर और नीचे स्क्वायर अलग कर लिया, ऊपर स्क्वायर जब अलग किया तो बोला था नीचे जो है वो स्क्वायर लिया, तो ए स्क्वायर हो गया, टू ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, यानी एलसीएम लेके सिंपल। उसके बाद हमें ये यू टी माइनस के चाहिए, तो यू क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे यू टी माइनस के है, के की जगह पे हमने एक्स बाई ए को जो है वो पुट कर दिया, यहाँ पे ये नहीं था ना। उसके बाद जो हमारे पास एफ ऑफ टी माइनस किया, पुट करते वक्त मैंने जो है ये सिर्फ किया, यानी अब इसके अंदर इस वाले में, टू वाले में हम लोगों ने इसको पुट करना है, टू वाले में यहाँ पे लाप्लास में हम लोगों ने यहाँ पे यू एफ ऑफ टी माइनस के की जगह उसकी वैल्यू, और यू ऑफ टी माइनस के की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो उसके बाद जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।